हेलो फ्रेंड्स, कुमुद हियर एंड यू आर वाचिंग कुमुदनीज होम गार्डन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये जीनिया के प्लांट्स हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं और आजकल के खास फूल हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ग्लैडुलाई के ऊपर, जो कि फूल अपना देकर ख़त्म हो कर चुके हैं और अब टाइम आ गया है कि हम इनके बल्ब्स को नेक्स्ट सीजन के लिए सेव करें और हो सके तो थोड़ा बहुत और प्रोपोगेट करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे गार्डन में ग्लैडुलाई के बहुत सारे बल्ब्स हो जाएं। ग्लैडियोलस के बल्ब्स को सेव करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम उन्हें गमले में ही छोड़ दें और सितंबर के बाद दोबारा लगाएं। दूसरा, हम उन्हें निकाल लें गमले से या ज़मीन से, जहाँ पर भी हमने बल्ब लगाए हुए हैं। अगर हमें गमले चाहिए दोबारा से या फिर ज़मीन का टुकड़ा वो चाहिए कुछ और लगाने के लिए, तो हम उन्हें पहले भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, जब निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगते हैं। यदि आप अभी इनको निकालते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। इनके साथ ही इनके बहुत सारे बेबीज़ भी अटैच रहते हैं, छोटे छोटे जो ग्लैडुलाइज होते हैं, बहुत सारे अटैच रहते हैं। तो उनको आप ऐसे ही रहने दें जैसे हैं, खाली हमें इनको इनकी स्टेम के से अलग करना है। स्टेम को हटा देना है और जो इनके बल्ब्स हैं, छोटे छोटे बल्ब के साथ भी उनको हमें अलग कर लेना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत सारे बल्ब्स जो हैं, एक एक दो दो तीन तीन भी साथ साथ आपको मिलेंगे इकट्ठे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोपोगेट हो चुके हैं। ये देखिए, ये करीब तीन चार इसके अंदर ऑलरेडी बल्ब्स बन चुके हैं। छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं। तो इसी तरह सारे ही जितने भी बल्ब्स हैं जो इकट्ठे हैं, उनको भी, जो अलग अलग हैं, उनको भी हमें स्टेम से अलग कर लेना है। बल्ब्स को सेव करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगले साल आपको बल्ब्स खरीदने ही नहीं पड़ेंगे और ये छोटे छोटे जो हैं आप इनको भी प्रोपेगेट कर सकेंगे। ये देखिए, ये तीन बल्ब इकट्ठे हैं और हर एक बल्ब के साथ और भी छोटे छोटे से बल्ब्स हैं। ये जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं, इनमें तो दो तीन साल तक फूल आएगा नहीं फ्रेंड्स, तो इनको आप अलग से ही प्रोपोगेट कर लीजिएगा। और जो ये बड़े वाले बल्ब्स हैं, इनमें से आपको फूल मिलेगा। तो उसके नीचे भी आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो बल्ब होते हैं हमारे, उसके नीचे एक बिल्कुल फ्लैट सा बल्ब आपको दिखाई देगा, जो पुराना बल्ब होता है असल में। और ये देखिए, ये इस टाइप के होते हैं। तो ये बिल्कुल फ्लैट होके एकदम पतले, एकदम जैसे कोई बेस बन गया हो, फ्लैट बेस इस टाइप से हो जाते हैं। तो उनको हमने अलग कर देना है, क्योंकि उसमें भी अब फ्लावर नहीं आएगा। हमारे जो मोटे मोटे बल्ब्स हैं, उनमें से ही हमको फ्लावर मिलेंगे। जो छोटे हैं, उनमें से भी नहीं मिलेंगे। जो बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, एकदम जो बेस जैसे बन गए हैं, उसको भी अलग करना है। ये देखिए, जैसे इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये पार्ट जो है, ये फ्लैट वाला, इसमें से अब कुछ भी नहीं होगा, इसको अलग करना है हमें। इस तरीके से इसको निकाल के या तो फेंक दें, या आप इसको चाहें तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहीं पर लगा दें, शायद कुछ हो जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स कि हम बकेट में पानी ले लें और उसमें थोड़ा फंगीसाइड मिला लें। अब हमें ये बल्ब को इसमें थोड़ी देर के लिए डिप करके रखना है, जैसे कि इसमें बल्ब में अगर कोई फंगस हो, कुछ इम्प्योरिटीज़ हो प्रिजर्व करने से पहले, तो वो सब दूर हो जाए। तो अभी मैं एक बल्ब निकाल रही थी तो मैंने देखा एक छोटा सा कीड़ा भी उसमें चिपका हुआ था, तो इसीलिए वो पूरे ही एकदम साफ सूफ हो जाए इनको प्रिजर्व करने से पहले, तो इसलिए हम ये जो फंगीसाइड का पानी है उसमें इनको थोड़ी देर के लिए डिप करते हैं। ये देखिए, अब इनको 10-15 मिनट तक मैं यूं ही छोड़ दूँगी, जिससे कि पानी इसके अंदर तक चला जाए और जो भी फंगस वगैरह कुछ लगी हो वो निकल जाए। तो ये हो गया है काफ़ी टाइम, अब हो गए 10-15 मिनट, इनको निकाल दिया है सबको और एक पेपर में इस तरीके से फैला कर रख दिया है। अब हमें इन्हें सुखाना है शेड में। इनको 2-3 घंटे आप बाहर रखिए, क्योंकि इनको आपको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करने से पहले आपको इनको अच्छे तरीके से सुखाना ज़रूरी है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आप इनको 2-3 घंटे कम से कम सुखाइए। ये देखिए, बाज़ार में आपको इस तरीके के ग्लैडुलाई के बल्ब्स मिलते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से ये अच्छे से सूख गए हैं। और ये मेरे पास कोई अभी गमला खाली था नहीं, तो ये टोकरी थी,
आपको इसी में मैंने कोकोपीट भर के और इसमें सारे के सारे बल्ब्स को डाल देना है। तो इस तरीके से ये इन सब छोटे छोटे बल्ब्स जो साथ में चिपके हुए हैं, इनको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं और आप इनको निकाल कर अलग से भी इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने इनको इनके साथ ही छोड़ दिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे छोटे 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 जो बल्ब्स हैं इनके, वो इकट्ठे हो चुके हैं, तो उनको मैं प्रोपोगेट करूँगी। लेकिन इनके साथ जो चिपके हुए हैं इनको मैं इसी तरीके से प्रिजर्व कर दूँगी। ये नेक्स्ट ईयर के लिए इस तरह से सेव हो जाएंगे और इनको हमने हर महीने फिर चेक करना है। इसका एयरेशन अच्छे से होना चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए सिर्फ पेपर रखा है क्योंकि पेपर के थ्रू बल्ब्स ब्रीद कर सकते हैं। बास्केट भी कॉयर के बास्केट है और कॉयर की बास्केट काफ़ी ब्रीद करती है। बास्केट को भी हमने अच्छे से बांध के सिक्योर कर दिया है। ये ब्रीदिंग बास्केट है एक तरीके की और इसको हम हर महीने चेक करेंगे। अब हम आते हैं छोटे छोटे बल्ब्स को प्रोपोगेट करने पे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ये सारे के सारे इकट्ठे करके एक लंबे से गमले में डाल दिए हैं और जो सॉयल मिक्स है इसका, वो इसमें गार्डन सॉयल और कोकोपीट दोनों चीज़ें मिलाई हैं और इनको बस ऊपर की तरफ ऐसे बिखेर दिया है जैसे चने के दाने बिखेर देते हैं ना, उसी टाइप से बिखेर दिया है। और इनको एक थिन लेयर से, कोकोपीट और मिट्टी की ही थिन लेयर से इनको कवर कर दिया है। तो ये जो है बल्ब बनने में इनको टाइम लगेगा, 2-3 साल तक ही ये छोटे छोटे जो बल्ब हैं ये बड़े बड़े होंगे और फिर इनमें फूल आएंगे। तो ये एक बड़ा ही बजट वाला आपके गार्डनिंग है, तो एक्सपेरिमेंट भी है एक तरीके का। तो गार्डनर्स को हमें ये सब चीज़ें करते रहना पड़ता है जिससे कि हम इसको अपना बजट फ्री टाइप का अपना गार्डनिंग करें, थोड़ा खर्चा कम हो और हमारे पास जो है प्रोपोगेशन के लिए भी सामान हमको मिलता रहे, इसमें भी ब्रीदिंग होती रहे। इसके लिए हम इसको पेपर से कवर कर देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमने, खाली ये जो इसमें कभी कभार 10-15 दिन में हमने सिर्फ पानी के छींटे मार के इसको सिर्फ मॉइस्ट रखना है और जिससे कि बल्ब्स हमारे गले ना और ब्रीद करते रहें, इनको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा वीडियो था हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ग्लैडुलाई के बल्ब्स को कैसे मैंने सेव किया और कुछ प्रोपोगेशन भी किया। तो आपको कैसा लगा बताइएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी।